अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एन एग्जांपल ऑन कन्वोल्यूशन। सो वी आर गिवन टू सिग्नल्स हियर, एक्स ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू एन यू ऑफ एन, वाइल एच ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन। सो आफ्टर दीज टू सिग्नल्स वी कैन हैव एन आइडिया कि हमें ये दोनों सिग्नल्स किस तरह से गिवन होने चाहिए। सो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू एन यू ऑफ एन। एक्स ऑफ एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ये, और सिमिलरली यहाँ पे एक्स ऑफ आई क्यों लिखा हुआ है उसकी एक रीज़न है, वो मैं अभी एलेबोरेट करती हूँ। सिमिलरली एच ऑफ एन इज़ इक्वल टू यू ऑफ एन है, जो कि हमारे पास ये एक सिग्नल है जिसकी एम्पलीट्यूड वन है फोर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए, और बाकी सब के लिए फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ एन एच ऑफ एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो अब हमारे पास ये दोनों चूँकि सिग्नल्स अब सामने हैं, और हमें पता है कि कन्वोल्यूशन का जो हमने बेसिक फार्मूला डिस्कस किया था वो कुछ ऐसा था, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ n, राइट। एंड जब हमने ये एक सिंपल जेनेरिक फॉर्म में कन्वोल्यूशन की, और अब हम इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ i convolution with h of n minus i, right? अच्छा, अब रीज़न ये है कि i के साथ हम इसको क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे हम कोई और वेरिएबल भी ले सकते थे। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ h of n minus i, इसका मतलब है h of n वाला सिग्नल जो है उस पर हमने थोड़ी सी शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, और n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम इसको एवेलुएट करेंगे। x of n जो हमारे पास सिग्नल है वो एज इट इज़ हम इसको x of i भी कंसीडर कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि अगर हम इसको वेरिएबल कोई दूसरा दे रहे हैं, हम कंसिडरिंग दिस कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो n की बजाय i की ये सारी वैल्यूज़ होंगी, जो ये जैसे एक्सिस के साथ हमारे पास i लिखा हुआ है, और ये सिग्नल हमारे पास बेसिकली डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा, एन की बजाय आई पे। तो एक्स ऑफ आई हमारे पास एज इट इज़ इस फार्मूले के मुताबिक सिग्नल मौजूद है ऑलरेडी। ये जो एच ऑफ एन सिग्नल है इसको हम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एच ऑफ आई कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों सिग्नल्स को पहले आई की टर्म्स में लेकर आएंगे। ऑब्वियसली जो हमें दोनों सिग्नल्स गिवन है उसमें एक आई की टर्म में और एक एन की टर्म्स में है, तो हम ये करेंगे कि एच ऑफ एन को कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एच ऑफ एन की बजाय एच ऑफ आई गिवन है, और लेटर ऑन हम एच ऑफ एन माइनस आई सिमिलरली एच ऑफ आई से फर्दर फाइंड कर सकते हैं। तो वो भी अभी मैं एलेबोरेट करती हूँ कि हम किस तरह से एच ऑफ एन माइनस आई फाइंड करेंगे। सो एच ऑफ आई ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, जिसमें फोर पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, और हमारे पास एक्स ऑफ आई सिग्नल कुछ ऐसा है कि आई की वैल्यू जब ज़ीरो है इस सिग्नल में, सो वहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका वन है, सो एक्स ऑफ आई जो है वो वन हो जाएगा फॉर आई इज़ इक्वल टू वन। सिमिलरली इस सिग्नल में अगर हम देखें आई की वैल्यू जब वन है तो वहाँ एक्स ऑफ आई की वैल्यू ज़ीरो है, आई की वैल्यू जब टू है तो एक्स ऑफ आई की सिग्नल की वैल्यू माइनस वन है, एंड सो ऑन। तो दूसरी चीज़ इसमें ये है कि हमें पता है कि ये दोनों सिग्नल्स हमारे पास बिल्कुल इस तरह से आ गए हैं, तो हम ये करते हैं कि हमने चूँकि अब एच ऑफ एन माइनस आई फाइंड करना है पहले, और बाद में हम उसमें एन की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, तो हमें पता है एक्स ऑफ आई सिग्नल एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो उसको तो हमें चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो एच ऑफ एन माइनस आई अगर हमने फाइंड करना है तो हम ये करते हैं कि एच ऑफ आई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम इसको एच ऑफ आई ले लेते हैं, राइट। तो लेट्स से कि हमारे पास ये जो सिग्नल है वो एच ऑफ आई है, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने जब एच ऑफ आई ले लिया तो इसी तरह से हम एच ऑफ आई से बेसिकली एच ऑफ एन माइनस आई जब हमने फाइंड करना है तो एन को भी हम बाद में बीच में बेसिकली चेक करते हैं, लेकिन हम उससे पहले हम माइनस आई को लेके देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस कि एच ऑफ आई से अगर हमने एच ऑफ माइनस आई लेना हो तो सिंपली हमें इस सिग्नल को फ्लिप कर देना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके जो ये साइड है पॉजिटिव साइड, ये फ़्लिप होके इस साइड पे आ जाएगी नेगेटिव साइड के ऊपर, तो हमारे पास x ऑफ i जो है वो h ऑफ i h ऑफ माइनस i की तरफ इस तरह से लीड करेगा, तो हमारे पास ये सिग्नल फ्लिप होके यहाँ की सारी वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी और ज़ीरो वाली ज़ीरो के ऊपर ही रहेंगी। दैट्स हाउ दिस सिग्नल फ्लिप्स। सो h ऑफ माइनस i चूँकि हमारे पास आ गया, हम अब इस h ऑफ माइनस i को ज़ीरो माइनस i भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो माइनस i भी एक्चुअली माइनस i ही होता है। दैट मीन्स कि n माइनस i में n की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो
है, ये भी हम कह सकते हैं इस सिग्नल के लिए. फॉर द टाइम बीइंग लेट सॉल्व फॉर एन इज इक्वल टू ज़ीरो, एन इज़ लेस देन ज़ीरो, राइट. तो पहले हम इस रीजन को सॉल्व करते हैं. एन लेस देन ज़ीरो के लिए हमारे पास एच ऑफ एन माइनस आई का सिग्नल दिखेगा कैसा. तो हम उसके लिए हम ये देखते हैं कि चूँकि एन लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ज़ीरो के ऊपर कोई स्पाइक नहीं आएगी इसके ऊपर, और इससे लेस कहीं पे भी किसी पॉइंट पे, बेसिकली एन जहाँ से भी शुरू हो रहा है वहाँ पे वो चार स्पाइक्स आ गई. चार क्यों आई हैं? क्योंकि हमारे पास सिग्नल में ही चार ये गिवन थी. तो बेसिकली अब यहाँ पे वन नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये कोई माइनस वन नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है एन की एन लेस देन ज़ीरो के लिए. तो हमने जहाँ से भी शुरू करना है उसके आगे हमने फोर स्पाइक्स बना दिए, और हमें पता चल गया कि एच ऑफ एन माइनस आई का सिग्नल फॉर एन लेस देन ज़ीरो के लिए ये होगा. तो अब एक ये सिग्नल आ गया, और एक हमारे पास ऊपर एक एक्स ऑफ आई का सिग्नल है. इस फॉर्मूले के मुताबिक एक्स ऑफ आई भी आ गया और एच ऑफ एन माइनस आई भी आ गया, और इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर दोनों सिग्नल्स के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आ रही है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक्स ऑफ आई लेस देन ज़ीरो के लिए देखें तो ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, और ज़ीरो के ऊपर यहाँ पे तो कोई वैल्यू है लेकिन एच ऑफ एन माइनस आई में इसकी कोई वैल्यू नहीं है. जैसे कि मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको सिग्नल, तो इसका मतलब है कोई भी एक पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर की वैल्यू जो है वो कंसाइड कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो, तो हम उसका कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकें, राइट. तो दैट मीन्स के वाई ऑफ एन जो है सिंपली ज़ीरो हो जाएगा फॉर एन लेस देन ज़ीरो के लिए. अब हम ये करते हैं कि हम एन लेस देन ज़ीरो तो एवेल्यूएट हो गया, अब हम एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए फाइंड आउट करते हैं. तो एच ऑफ एन माइनस आई सिग्नल फॉर एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वो हमारे पास सिग्नल कुछ ऐसा दिखेगा जो ज़ीरो से शुरू होगा, और चूँकि एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो है यहाँ पे, और उससे पीछे हमारे पास सिंपली फोर वो जो मतलब उसको मिला के फोर स्पाइक्स आ जाएंगी. सो ये माइनस थ्री तक जाएंगी ज़ीरो से शुरू होकर, और एच ऑफ एन माइनस आई का सिग्नल फॉर एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये बन जाएगा. सिमिलरली एक्स ऑफ आई का सिग्नल हमारे पास ये एज इट इज़ ऊपर से नीचे मैंने कॉपी कर लिया. अगर अब हम इन दोनों को चेक करें तो सिर्फ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक ऐसा पॉइंट है जिस पे दोनों सिग्नल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ रही है. जैसे यहाँ पे भी वन आ रहा है और इधर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे भी वन आ रहा है. बाकी यहाँ पे अगर कहीं कहीं कोई वैल्यू आ भी रही है, ये तो ज़ीरो है वन पे, फिर टू पे माइनस वन है. सो कोई भी अगर वैल्यू यहाँ आ भी रही है लेकिन यहाँ पे एच ऑफ एन माइनस आई में कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, तो ये पार्ट भी ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होके ऑटोमेटिकली. और ये वाला पार्ट में यहाँ ये सारी ज़ीरो हैं और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज़ गिवन थी, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा. सो इट मीन्स कि सिर्फ एच ऑफ एन माइनस आई वेन आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे एक्स ऑफ आई वेन आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे दोनों पे वन वैल्यू है. सो वन मल्टीप्लाई बाय वन इज़ इक्वल टू वन. सो वाई ऑफ एन, जब एन ज़ीरो है तो हम उसको वाई ऑफ ज़ीरो भी लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली वन. सो कॉन्साइडिंग वैल्यूज़ हमारे पास इस सिग्नल की से वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर आ रही थी. सिमिलरली नाउ सॉल्व फॉर एन इज़ इक्वल टू वन. एन इज़ इक्वल टू वन के लिए इसका मतलब है, अब चूंकि इसमें एन ही नहीं है तो इस सिग्नल पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, एक्स ऑफ आई एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे एच ऑफ एन माइनस आई फॉर एन इज़ इक्वल टू वन, जिसमें हम एन की जगह वन पुट करेंगे तो हमारे पास वन से सिग्नल शुरू होगा, और उससे पीछे हमारे पास वन वाली को मिला के चार स्पाइक्स एज इट इज़ आ जाएंगी. तो हम जब इन दोनों सिग्नल्स को एवेलुएट करते हैं तो एक तो ज़ीरो वाला आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाला पॉइंट है इन दोनों में जिस पे वैल्यू आ रही है, और एक आई इज़ इक्वल टू वन वाला पॉइंट है जिसमें इसमें वन वैल्यू आ रही है और इसमें ज़ीरो है. अब इसमें एक पे भी वन कोई ना, या इन अदर वर्ड्स अदर देन ज़ीरो कोई भी वैल्यू आ रही हो एम्पलीट्यूड की, तो हम उसको भी एवेलुएट करते हैं, राइट. सो इसका मतलब सिर्फ दो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आ रही है. फर्स्ट वाला जब आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो था तो एच ऑफ एन माइनस आई में ये भी वैल्यू वन है और इसकी भी एम्पलीट्यूड की वैल्यू वन है, तो वन इंटू वन गिव्स यू वन. तो ये जो y ऑफ वन इज़ इक्वल टू वन है ये वो पहला वाला वन वो है, और i इज़ इक्वल टू वन के ऊपर जब हमने एवेल्यूएट किया तो ये वन था और ये ज़ीरो. सो दैट मीन्स कि वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो आ गया, तो वन प्लस ज़ीरो हो गया, और y ऑफ n यानी n की वैल्यू जब वन है तो हम इसको y ऑफ वन भी लिख सकते हैं, तो उस पर ये दो ही वैल्यूज़ कॉन्साइड कर रही थी, तो हमने वन प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन आ गया. सिमिलरली n इज़ इक्वल टू टू के लिए हमारे पास सिग्नल ये बन जाएगा, एच ऑफ एन माइनस आई टू से शुरू होगा सिग्नल, और ये चार स्पाइक्स बनेगी. तो ये बेसिकली ये दो स्पाइक्स नहीं होंगी इसके अंदर, इसको आप डिस्कार्ड कर दें, ये बेसिकली ये चार स्पाइक्स ही होंगी. तो ये चार स्पाइक्स यहाँ पे हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्साइड कर रही हैं वैल्यूज़ वो एक्स ऑफ आई बेसिक, अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें
तो आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर एक वैल्यू इन दोनों सिग्नल्स में कौन सा एड कर रही है, आई इज़ इक्वल टू वन पे कर रही है और आई इज़ इक्वल टू टू पे कर रही है। यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू टू में वैल्यू वन है, जबकि यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू टू पे वैल्यू माइनस वन है। तो सिर्फ ये तीन वैल्यूज़ हैं जो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, कॉन्साइड कर रही हैं। तो हमारे पास ओवरऑल इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे वन इंटू वन वन बन जाएगा, इस पे आई इज़ इक्वल टू वन पे वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, आई इज़ इक्वल टू टू पे वन इंटू माइनस वन माइनस वन हो जाएगा। सो हमारे पास एग्जैक्टली वाई ऑफ टू क्या आ जाएगा, वन प्लस ज़ीरो माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास y ऑफ़ टू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसी तरह सॉल्व करते जाएं y ऑफ़ थ्री के लिए, y ऑफ़ फोर, y ऑफ़ फाइव एंड सो ऑन, उन सब के लिए हमारे पास अल्टीमेटली ये रिजल्ट्स आएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबके आंसर्स ज़ीरो आ रहे हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि n की वैल्यू आगे सब के लिए ज़ीरो ही आ रही है, राइट। तो हम इसको अब रीजन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। y ऑफ़ n की वैल्यू ज़ीरो होगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n दैट आर लेस दैन ज़ीरो। सो ये हमने जो सबसे पहले फाइंड किया था n लेस दैन ज़ीरो के लिए, ये मैंने वहाँ से लिखा है, ये वाला पॉइंट, जब n फॉर ऑल n लेस दैन ज़ीरो y ऑफ़ n विल बी इक्वल एन टू ज़ीरो। वाइल फॉर n इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास y ऑफ़ n की वैल्यू वन आई थी, और n इज़ इक्वल टू वन के लिए भी y ऑफ़ n की वैल्यू हमारे पास वन आई थी। तो उसके लिए हम नेक्स्ट में लिख सकते हैं कि y ऑफ़ n इज़ इक्वल टू वन फॉर n इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड वन, और y ऑफ़ n इज़ इक्वल टू ज़ीरो है रिमेनिंग सारी वैल्यूज़ के लिए टू से ऑनवर्ड्स। तो n इज़ इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, इन सब वैल्यूज़ के लिए y ऑफ़ n इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो ओवरऑल जब भी आप लोगों ने रिजल्ट लिखना है उसको आपने पहले देखना है कि सारी रेंजेस भी कवर हो रही हों। देखें इसमें सारी रेंजेस कवर हो रही हैं, n लेस दैन ज़ीरो के लिए n इज़ इक्वल टू ज़ीरो वन के लिए डिफरेंट रिजल्ट था वो वन था, और बाकी सब के लिए फिर यहाँ पे ज़ीरो ही आ रही हैं जो टू या टू से ऑनवर्ड्स ग्रेटर वैल्यूज़ हैं n की। तो दिस बेसिकली इज़ द रिज़ल्ट ऑफ y ऑफ़ n, एंड इफ़ यू वॉन्ट तो हम इसका एक सिंपल सिग्नल की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम y ऑफ़ n सिग्नल बना दें और सिंपली ज़ीरो और वन के लिए उस पे वन और वन की टू स्पाइक्स आ जाएंगी। अदर देन दैट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, y ऑफ़ n विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इसके अंदर हमने आज बेसिकली ये कवर की है कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट सिग्नल।